आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शरीफ साहब। हाल ही में अभी इनकी जानिब से एक प्रोग्राम किया गया है बहरिया ऑडिटोरियम में नर्सिंग डे के ऊपर, जिसकी तरफ से होम एच डी चैनल इनको खराज तहसीन पेश करता है, मुबारकबाद पेश करता है कि आज इन्होंने हमने बुलाया उनको बड़ी मसरूफियात की वजह से। तो हम पूछते हैं इनसे क्या कहते हैं ये। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रमज़ान साहब कि आपने मुझे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत बोलूं। वैसे तो ये प्रोग्राम जो था नर्सेज का प्रोग्राम था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नर्स हूं और तकरीबन 16-17 साल से इस फील्ड में सर्व कर रहा हूं। सेलिब्रेट किया गया वो डॉक्टर काशिफ साहब जो हमारे CEO है उनकी वजह से, बैक पे जो वो थे सपोर्ट उनकी, तो ये जो सारा जो प्रोसेस था वो अमल में आया। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जितने भी लोगों ने शिरकत की, वो नर्सिंग लीडर्स थे, वो एक्टिव काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं पूरे सिंध में। सिंध लेवल पे हमने पूरा ये प्रोग्राम किया था और हमारा ही पहला प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम में मैंने, आपने देखा होगा कि मैडम अफशा नाजली आई, सर बादल दास आए, इसके अलावा और बहुत सारे लीडर्स, जैसे नर्सिंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्टर, एक्स कंट्रोलर मैडम खैरन निसा, इसी तरह बहुत बड़े बड़े लोग आए, मैडम जैदी आई थी, मैडम आलिया नासिर आई थी। इसके अलावा JSMU के जो HOD हैं सर संतोष कुमार, इसमें कुछ लोग मेरे टीचर्स भी थे, कुछ लोग मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, कुछ लोग मेरे साथ, कुछ लोगों ने मेरे साथ भी काम किया। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन सब ने पार्टिसिपेट भी किया, अपना टाइम स्पेयर करके हमारे पास भी आए और हमारे प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाया। सर आमिर साहब, आपने माशाल्लाह तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस प्रोग्राम के जो पीछे है, जो सारी गाइडलाइन हिकमत अमली जिनकी है उनके बारे में शायद आप बताना भूल रहे हैं बार बार, मैं ज़रा पूछूँगा डॉक्टर काशिफ महमूद साहब के लिए कि डॉक्टर काशिफ के लिए तो अल्फाज जो हैं वो मेरे कम पड़ेंगे। बेसिकली डॉक्टर काशिफ के साथ मुझे 5-6 साल हो गए काम करते हुए, और मैंने अगर मैं अपने बात करूं तो मैंने स्टार्ट बहुत छोटे लेवल पे किया था नर्सिंग फील्ड में 16 साल पहले, तो असिस्टेंट नर्स मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद मेरी ग्रोथ अलहमदिल्ला साथ साथ चलती रही। लेकिन डॉक्टर काशिफ साहब के साथ जो पिछले 5-6 साल गुजरे तो वो टोटली डिफरेंट थे, क्योंकि इन्होंने अकोमोडेट भी किया, इन्होंने फैसिलिटेट भी किया। मेरे दो मास्टर्स जो थे, एक हेल्थ मैनेजमेंट में और एक नर्सिंग में, वो दोनों डॉक्टर काशिफ के टाइम पे मैंने किए और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हायर एजुकेशन मुझे पूरा सपोर्ट किया। और रही बात नर्सिंग डे की, नर्सिंग डे के अलावा नर्सिंग के नर्सेज के लिए डॉक्टर काशिफ हर वक्त खड़े रहते हैं। अगर मैं बात करूँ नर्सेज को प्रमोट करने की, तो पाकिस्तान में टोटल दो जगह हैं जो मेरी नॉलेज में हैं, कि एक आगा खान हॉस्पिटल है जिसमें नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। इसी तरह मुर्शद हॉस्पिटल है जिसमें नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। बाकी मैंने नहीं देखा कि किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग फील्ड का किसी भी प्रोफेशनल को उसको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दी हो। तो इसका खराज तहसीन, इसमें जो थैंक्स है वो उसमें सारे क्रेडिट के जो हकदार हैं डॉक्टर काशिफ हैं, को एम्पावर करते हैं नर्सेज को, नर्सिंग को, और नर्सेज को हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बियॉन्ड नर्सिंग, वो सारी चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। और फिर काम करने का मज़ा भी आता है कि अगर आपका बॉस जो है आपके साथ हर तरह से खड़ा हुआ है, तो फिर बंदा अपना पूरा 100% से ज़्यादा मैक्सिमम जो आउटपुट है वो दे।